सुपर पावर अमेरिका और यूरोपीय देश जो भी कहेंगे और करेंगे, रूस उसका उलट ही चलेगा और काम करेगा। ऐसा एक बार फिर से हुआ है। सन की कोरियाई तानाशाह किम जोंग के मुल्क नॉर्थ कोरिया पर यूनाइटेड नेशंस ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है, फिर भी रूस और नॉर्थ कोरिया का दोस्ताना बढ़ता ही जा रहा है। अब खबर मिली है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने खास दोस्त और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को करीब 4 करोड़ रुपए की लग्जरी कार गिफ्ट की है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग की बहन किम यो जोंग और एक आला अफसर ने सोमवार को यह स्पेशल गिफ्ट रिसीव किया है। इसके बाद उन्होंने पुतिन के लिए तानाशाह किम जोंग का खास मैसेज भी दिया। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ये अच्छे से जानते हैं कि किम जोंग को ये गिफ्ट यूएन के रूल्स के खिलाफ है। इसकी वजह है कि नॉर्थ कोरिया को किसी भी तरह के लग्जरी आइटम्स देने पर रोक है। ऐसा उस पर लगी पाबंदियों की वजह से है। तो वहीं यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से रूस पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन रूसी राष्ट्रपति को इन सब की परवाह नहीं है। ठीक इसी तरह किम जोंग को भी दुनिया वालों की कोई फिक्र नहीं है। ये दोनों दोस्त वही करते हैं जो इन्हें अच्छा लगता है। ये तो दुनिया जानती है कि पुतिन और किम के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं। बीते साल सितंबर महीने में जब किम जोंग रूस के दौरे पर आए थे, तब वो पुतिन की ऑफिशियल कार की पिछली सीट पर बैठे थे। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे खुशी के मारे पोज बना रहे हैं किम जोंग। पुतिन की ये स्पेशल लिमोजीन कार उन्हें इतनी पसंद आई कि वो उसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। खबरों की माने तो अब पुतिन ने अपने दोस्त किम जोंग को यही मॉडल गिफ्ट किया है। हालांकि ये कौन सा मॉडल है और इसे किस तरह नॉर्थ कोरिया पहुंचाया गया, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन ये पता चला है कि ये लग्जरी कार सोमवार को प्योंगयांग पहुंचा दी गई थी। पुतिन से स्पेशल गिफ्ट को रिसीव करते हुए किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने लिखा था, दोनों देशों के बीच करीबी रिश्ते हैं और ये गिफ्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। पिछले साल हमारे लीडर किम जोंग उन मॉस्को गए थे और वहां उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक समिट में हिस्सा लिया था। माना यह भी जा रहा है कि पुतिन ने किम जोंग को रूस में बनी ऑरस सेनेट लिमोजीन कार गिफ्ट में दी है, जिसे खुद पुतिन भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो सन की तानाशाह के पास इल्यूजन IL-62 नाम का एक प्राइवेट प्लेन भी है। इसे चामे 1 के नाम से भी जाना जाता है, जो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रीय पक्षी गोशाक के नाम से प्रेरित है। हवाई यात्रा के लिए किम इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किम के पास कई लग्जरी ब्रांड्स की गाड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं से स्मगलिंग करके नॉर्थ कोरिया लाई गई हैं। किम के पास अपनी प्राइवेट स्पेशल ट्रेन भी है, जिससे वो साल 2019 में मॉस्को गए थे। उस वक्त रूसी स्टेशन व्लादिवोस्तोक के बाहर मर्सिडीज मेबैक उनके लिए तैयार खड़ी थी। 2018 में उन्होंने अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, तब भी वो इसी गाड़ी में सफर कर रहे थे। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों दोस्तों की दोस्ती को यूएन किस नजर से देखता है और क्या सन की तानाशाह को दिए पुतिन के इस गिफ्ट से यूएन को कोई एतराज होता भी है या नहीं, ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।